हेलो। हाँ भाई बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज अपने पास में हम बोटनी की मेजर टेस्ट सीरीज जो है उसके बारे में अपन बात करेंगे। मेजर टेस्ट के बारे में, डीसीएम अपनी चल रही है, तो डीसीएम के अंदर अपने पास में 7 डेज पर जो मेजर होता है उसकी बात करते हैं। मेजर में हमने फुल सिलेबस को कवर किया है और नीट बेसिस पर ही हमारे पास में इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं। वेटेज भी हमारे पास में चैप्टर का नीट के आधार पर ही है। तो बच्चों, सबसे पहले अपन 151 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन अपने पास में प्लांट डाइवर्सिटी से है और कह रहा है आइडेंटिफाई रॉन्ग अबाउट द फैमिली। फैमिली के बारे में जो अपने पास में रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप जानते हो, पहला है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, किंगडम, डिविजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। जीनस जो होते हैं वो मिलकर के अपने पास में क्या बनाएंगे? फैमिली बनाएंगे। तो ये हमारे पास में सही है। दूसरा है कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ये भी अपने पास में बेटा एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट उसमें लिखा हुआ है कि फैमिली जो है वो अपने पास में करेक्टराइज की गई है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पर, कायिक और जनिक गुणों के आधार पर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आगे कहा गया कैट एंड डॉग पुट इन द सेम फैमिली। नहीं बेटा, कैट और डॉग, कुत्ता और बिल्ली समान कुल के सदस्य नहीं है। एक कैनेडी का है और एक अपने पास में फेलिस जो है वो दूसरे का है। तो इस तरह से हमारे पास में ये एक कुल के सदस्य नहीं है। तो आंसर विल बी थर्ड हो जाएगा, सोलेनम पिटिनुआ दतुरा प्लेस्ड इन द सोलेनेसी फैमिली। ये बिल्कुल सही बात है। पिटुनुआ भी होगा, दतुरा भी होगा और सोलेनम भी होगा। तो सोलेनम पिटुनुआ और अपने पास में दतुरा जो है ये अपने क्या है, एक ही फैमिली के मेंबर हैं। तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 की बारे में बात करते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान करना है और सही उत्तर छांटना है। पहला है आपसे फैमिली के बारे में पूछा हुआ है कि भाई फैमिली कौन सी है। तो बेटा फैमिली के अंत में एसी प्रत्यय आता है, एसी अपने पास में जुड़ता है। तो ये हम कह सकते हैं अनाकार्डेसी जो है ये अपने पास में एक फैमिली है। दूसरा अपने पास में ऑर्डर, ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो ऑर्डर आपको पता है कि ऑर्डर जो है वो डिप्टेरा अपने पास में एक क्या है, ऑर्डर है। तीसरा डिवीजन के बारे में बात करते हैं बेटा। तो एंजियोस्पर्मी और जिम्नोस्पर्मी प्लांट को दो डिवीजन अपने पास में है। तो ये हमारे पास में डिवीजन हो गया। अब क्लास की बात करते हैं तो इंसेक्टा अपने पास में इंसेक्ट की क्लास है और जिसके अंदर अपने पास में आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्टा क्लास है। तो इस तरह से मैच करते हैं तो ये डायरेक्ट मैच हो रहे हैं। तो आंसर विल बी फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सेलेक्ट रॉन्ग अबाउट हैबिटेट ऑफ आर्की बैक्टीरिया। बच्चों आर्की बैक्टीरिया के बारे में आपसे गलत पूछा है कि आर्की बैक्टीरिया के आवास के बारे में आप गलत को छाट करके बताइए। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं जनरली वो कभी भी पैरासाइट के रूप में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जनरली पैरासाइट के रूप में नहीं पाए जाते। एक्सट्रीम साल्टली एरिया में पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग वाटर में अपने पास में पाए जाते हैं, जिसको अपन थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स हॉट लिविंग वाले में अपने पास में रहते हैं और रुमेन ऑफ एनिमल्स जैसे बफोलो और काउज की में जो मैथेनोजेंस होते हैं वो रहते हैं। और हेलोफिल्स जो होते हैं बेटा वो अपने पास में किसके अंदर रहते हैं? हेलोफिल्स जो है ये अपने पास में एक्सट्रीम साल्टली एरिया में रहते हैं। तो ये तीन कंडीशन हमारे पास में आ गई। पैरासाइट ऑन प्लांट के ऊपर अपने पास में आर्की बैक्टीरिया जनरली नहीं पाए जाते हैं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, आंसर विल बी फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्राइसोफाइट्स है। क्राइसोफाइट्स आपको पता है कि प्रोटिस्टा के मेंबर है। क्राइसोफाइट्स में दिस ग्रुप इंक्लूड डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। यह समूह के अंतर्गत डाई एटम्स और सुनहरे शैवाल आते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दे आर लार्ज एंड एक्टिव फ्लोट। नहीं भाई, ये क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं और पैसिव रूप से अपने पास में फ्लोट करते हैं, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं बेटा, अपने पास में फाइटोप्लैंक्टन के रूप में इनको जाना जाता है। दे आर द मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई। अभी आपको बताया कि प्रोटिस्टा के मेंबर है, रॉन्ग हो गया। दे आर फाउंड ओनली मैराइन। नहीं भाई, ओनली मैराइन में नहीं होते हैं, मैराइन के साथ में अपने पास में फ्रेश वाटर में भी ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में आंसर क्या जाएगा बेटा? फर्स्ट जाएगा, आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास में जो है वो
155 आइडेंटिफाई एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। आपसे पूछा है बेटा डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, आप जानते हो कि लाइफ साइकिल तीन प्रकार के होते हैं, हैप्लोंटिक, हैप्लोडिप्लोंटिक और अपने पास में एक हो जाएगा डिप्लोंटिक। कौन सा जो मैन प्लांट बॉडी है वो कितने टाइम तक रहती है, उसके बेसिस पर हम इसको करेक्टराइज करते हैं। तो अब देखिएगा बच्चों, डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल के बारे में आपसे बात पूछी है तो आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की मैन प्लांट बॉडी डिप्लोंटिक होती है और ये लंबे टाइम तक सर्वाइव करती है स्पोरोफाइट। इस पर गैमेटोफाइट बहुत कम टाइम के लिए अपने पास में आता है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी बेटा, डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हो जाएगी। साथ साथ एक एग्जाम्पल और होता है फ्यूकस, एक्सेप्शनली फ्यूकस जो है वो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल शो करता है। आपको पता है वोल्वैक्स में कभी डिप्लोंटिक नहीं होती है, ये अपने पास में क्या है एल्गी है और इसमें हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल होती है, और ब्रायोटेरिडो में अपने पास में हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल होती है। तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइड इंटू टू इक्वल रेडियल हेल्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड। जब किसी फूल को दो बराबर भागों में किसी भी अर्य भाग से या तल से विभक्त किया जा सकता है तो वह क्या कहलाता है। बच्चों आपको पता है कि भाई ये एक फ्लावर है, इसको किसी भी जगह से आप दो बराबर भागों में काटते हो तो ये हमारे पास में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहलाता है। तो एक्टिनोमॉर्फिक अपने पास में त्रिज्य सममित जिसको बोलते हैं, तो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सेस्वेनिया जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सेस्वेनिया, मतलब निम्न में से कौन सा पुष्प सूत्र सेस्वेनिया का है। बच्चों सिंपल सी बात है, सेस्वेनिया जो है वो अपने पास में फाबेसी फैमिली का मेंबर है और फाबेसी फैमिली के अंदर आपको पता है कि आप करेक्टराइज्ड फीचर वहां के कोरोला से देख सकते हो। अपने पास में एक स्टैंडर्ड होता है, दो विंग्स होते हैं और एक अपने पास में कील होता है। तो ये इस तरह से अपन देखेंगे तो आंसर विल बी 1। ठीक है, इसको अपन जायगोमॉर्फिक बोलेंगे। बाइसेक्सुअल कैलिक्स जो है वो पाइप है, अटैच्ड है, कोरोला है वो पाइप है, इस अरेंज में है, और एंड्रोसियम जो है 9+1 का है और गाइनोसियम 1 है जो अपने पास में इसमें प्रेजेंट है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम के वैस्कुलर बंडल आपसे पूछा है। बच्चों स्टेम की बात करें तो अपने पास में कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल होता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से अपने पास में जुड़े होते हैं, सेम रेडियस पर होते हैं, तो इसको अपन कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल बोलेंगे। और इसमें अपने पास में कैम्बियम एब्सेंट होती है तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, क्लोज्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास में कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट के साथ में अपने पास में क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। कॉन्जॉइंट ओपन नहीं होते हैं, एक्जार्ज भी नहीं होते हैं और रेडियल भी नहीं होते हैं, तो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर कैम्बियम ऑब्जर्व इन विच रीजन। सवेनी वाले साफ दिखाई देती है, तो सवेनी वाले की बात करें तो सवेनी वाले अपने पास में आपको पता है कि वैस्कुलर कैम्बियम जो होती है वो अपने पास में एक्टिविटी अलग अलग शो करती है। जब अपने पास में बसंत का मौसम होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, तो वो ज़्यादा अपने पास में क्या होती है, एक्टिव होती है, और जब अपने पास में विंटर सीजन या ऑटम सीजन पतझड़ का मौसम होता है तो वो कम एक्टिव होती है। तो जिस जगह पर हमारे पास में मौसम क्लियरली अपने पास में अपेयर होंगे वहां पर हमारे पास में वैस्कुलर जो कैम्बियम है, कैम्बियम अपने पास में उस जगह पर क्लियर अपेयर होंगी। तो ये हो गया टेम्परेट रीजन, एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखा हुआ है, शीतोष्ण क्षेत्रों के अंदर ये हमारे को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 160 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, स्लाइम लेयर इज, स्लाइम लेयर अपॉन्ग फर्थ है, तो आपको पता है कि स्लाइम लेयर अपने पास में बीजीए में पाई जाती है, मतलब बैक्टीरिया की पार्ट है, तो ये ग्लाइकोकैलिक्स का पार्ट है। ग्लाइकोकैलिक्स में हार्ड होता है उसको कैप्सूल बोलते हैं, और जो अपने पास में ल्यूज शीत होती है, म्यूकस शीत होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्लाइम लेयर। तो आंसर विल बी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बेटा, सीधा सा क्वेश्चन है, एमाइलोप्लास्ट स्टोर, एमाइलोप्लास्ट संग्रहित करता है, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को संग्रहित करने वाला प्लास्टिड होता है, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को करता है,
एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को करता है, तो यह अपने पास में, और ईटियोप्लास्ट अपने पास में फैट को करता है, इलियोप्लास्ट सॉरी, तो इलियोप्लास्ट अपने पास में फैट को करता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आते हैं, मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल, कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था है। बच्चों डायरेक्ट अपने पास में एनसीईआरटी में एम फेज में लिखा हुआ है कि कोशिका इस दौरान सबसे ज्यादा नाटक करती है, इसलिए अपन नाटकीय अवस्था बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में मैक्सिमम चेंज जो होते हैं, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं, वो एम फेज में होते हैं। तो एम फेज को अपन क्या बोलते हैं, नाटकीय अवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम इज रेफर्ड एज, गुणसूत्रों का एक तल में पंक्तिबद्ध होना कहलाता है। ठीक है भाई, अपने पास में एक तल में जो पंक्तिबद्ध होते हैं गुणसूत्र, तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मेटाफेज प्लेट। क्योंकि ये क्वेश्चन डालना इसलिए जरूरी था कि बच्चों अपने पास में आप 12th की एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो वहां पर अपने पास में जेनेटिक्स में इसका कुछ पार्ट है, तो वहां से इसको लिंक करना जरूरी था। तो मेटाफेज प्लेट में ही क्रोमोसोम का अलाइनमेंट होता है, तो मेटाफेज प्लेट में अलाइन होकर के क्रोमोसोम बनाते हैं, मेटाफेज प्लेट। क्लियर है, मेटाफेज स्टेज में यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच फेज ऑफ सेल साइकिल बाइवेलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली अपेयर एज टेट्राड। ठीक है भाई, अपने पास में कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में युगली गुणसूत्र स्पष्ट रूप से चतुष्क के रूप में दिखाई देते हैं। बच्चों सिंपल सी बात करते हैं, तो टेट्राड क्या होता है भाई, दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये एक जैसे हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन, बाइवेलेंट। और इनकी कितनी आर्म हो गई, फोर आर्म हो गई, इसको बोलते हैं टेट्राड। बाइवेलेंट टेट्राड का फॉर्मेशन जाइगोटीन में हो जाता है, लेकिन क्लियरली अपेयर जो होते हैं वो पैकाइटीन में होते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि क्लियरली अपेयर इन नेक्स्ट स्टेज, और नेक्स्ट स्टेज हमारे पास में कौन आती है बेटा, पैकाइटीन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल ईच पोल रिसीव हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट सेल। ठीक है, कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में प्रत्येक ध्रुव जनक कोशिका की तुलना में आधे गुणसूत्र प्राप्त करता है। और ये एक समरी से एक क्वेश्चन दिया गया है आपकी एनसीईआरटी की समरी में, ये लाइन दे रखी है डायरेक्ट अपने पास में एनाफेज फर्स्ट में। अपन ये भी बोल सकते हैं कि सेल में एक्चुअली नंबर हाफ जो होता है क्रोमोसोम का, सेल डिप्लोइड से हैप्लोइड होती है, वो कहाँ होती है, एनाफेज फर्स्ट में होती है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एनाफेज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्प्रिन स्ट्रिप प्रेजेंट इन, कैस्प्रिन पट्टिया उपस्थित होती है, तो कैस्प्रिन पट्टिया आपको पता है एंडोडर्मिस में होती है। एंडोडर्मिस में सुबेरिन का अपने पास में क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, और जिस जगह पर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, ये अपने पास में सेकेंडरी सेल वॉल में होता है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती है तब सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, और जिस जगह पर सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, सुबेरिन एक तरह से डेरिवेटिव फैट्स के एग्जाम्पलों में आती है, और ये अपने पास में इम्परमेबल होता है, किसके लिए बेटा, अपने पास में गैसेज के लिए और वाटर के लिए, और हमारे पास में यहाँ पर डेड हो जाती है सेल, और इसको बोलते हैं कैस्प्रिन स्ट्रिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, ठीक है, निम्न में से कौन सा एक गलत कथन है। ठीक है भाई, कौन सा गलत है कथन अपने पास में उसकी बात करते हैं। पहला है ट्रांसपिरेशन सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है कि ट्रांसपिरेशन के कारण से ही अपने पास में वाटर की फोटोसिंथेसिस के लिए जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होता है। एनसीईआरटी के पॉइंट है ट्रांसपिरेशन में लिखे हुए हैं, ट्रांसपिरेशन ट्रांसपोर्ट मिनरल फ्रॉम सोयल टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, जब अपने पास में वाटर ट्रांसपोर्ट करता है तो उसके साथ में अपने पास में मिनरल का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ऑल पार्ट में इसकी वजह से जाता है। ट्रांसपिरेशन मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल, भाई ट्रांसपिरेशन प्लांट में होता है मेनली, तो ये क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, इससे ट्रिगर प्रेशर अपने पास में प्रोड्यूस होता है, और ट्रिगर प्रेशर वगैरह अपने पास में पानी आने से ओपीटीपी डेवलप होते हैं, तो सेल शेप को क्या करते हैं, बनाते हैं। फिर है ट्रांसपिरेशन इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ प्लांट सरफेस 10 to 15, ये डिक्रीज करता है बेटा, 10 to 15 अपने पास में क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 168 सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड इज सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है। दो चैप्टरों के अंदर ये क्वेश्चन है, एक बायोमोलिक्यूल से, एक अपने पास में मिनरल्स वाले से। और ये मिनरल्स वाली एनसीईआरटी में आपको दे रखा है कि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड सिस्टीन और मिथियोनिन होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने का काम ये दोनों एमिनो एसिड बेखूबी से करते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 169 क्या कह रहा है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। आपको कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड से मिलाना है। और ये हमारे पास में ग्रोथ वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, डिस्कवरी वाले अपने पास में पैराग्राफ से क्या कहा गया है। एफ डब्ल्यू वेंट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने पास में ऑक्सीजन पे काम किया बेटा। इंजीनियर क्रुसेवा जो थे ये अपने पास में जिब्रेलिन के ऊपर काम किया, ई क्रुसेवा के नाम से इसका नाम है। एफ स्कूक जो थे ये साइटोकाइनिन पर काम किया, और कोशियंस जो है वो इथाइलिन पर अपने पास में वर्क किए। तो आंसर विल भी अपने पास में सेकंड हो जाएगा, मैच द कॉलम का सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है वायबिलिटी पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन आफ्टर शेडिंग इन लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी। ठीक है, आपके प्लांट रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि लेगुमिनेसी और सोलेनेसी और रोजिएसी फैमिली जिसके अंदर अपने पास में गुलाब वगैरह आते हैं उनके जो अपने पास में वायबिलिटी पीरियड है पोलन ग्रेन का कि भाई फीमेल तक पहुंचने से तक अपने पास में कितने टाइम तक वो लिविंग रहेंगे वो है सम मंथ का। ठीक है, और कुछ मिंट का जो है वो पोएसी फैमिली में है, तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है एपोमिक्सिस, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और ये भी प्लांट रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से उठाया गया है। एपोमिक्सिस क्या है, बस सिर्फ सीधी सी बात है। तो एपोमिक्सिस क्या है बेटा, एपोमिक्सिस का मतलब है कि एबसेंट ऑफ मिक्सिंग मतलब गैमिट्स, मतलब गैमिट्स की एबसेंट होती है, मिक्सिंग नहीं होती है गैमिट्स की, लेकिन सीड का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। और यही बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा कि अपने पास में गैमिट की मिक्सिंग के बाद अपने पास में किसका फॉर्मेशन होता है, सीड का, इसलिए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या है, विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमिट किसका फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट मिक्सिंग। और विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमिट अगर हमारे पास में सीड का फॉर्मेशन होगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस। और इसको अपन मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल देते हैं, प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। आंसर तो फर्स्ट हो गया, लेकिन आगे का भी देख लेते हैं। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म, बिल्कुल गलत बात है। एपोमिक्टिस सीड शो सेग्रीगेशन कैरेक्टर, पृथक्करण के लक्षण, पृथक्करण के लक्षण मियोसिस में होते हैं और वेरिएशन आती है, एपोमिक्सिस में कभी भी सेग्रीगेशन कैरेक्टर नहीं आते हैं। तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा अपना फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 172, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ वीट हैज बीन यूज टू डोनर फॉर इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट। ठीक है, प्रोटीन कंटेंट किसके अंदर बढ़ाया गया था, गेहूं की निम्न में से कौन सी किस्म है जो प्रोटीन दाता के रूप में काम की गई थी। तो एटलस 66 जो है ये अपने पास में प्रोटीन दाता के रूप में अपने पास में गेहूं की किस्म जो है वो विकसित की गई थी, इसमें अपने पास में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई मिसमैच, गलत को पहचानिए। इकोलाई बैक्टीरिया जो है इस पर वर्क किसने किया था, मिसेलसन और स्टाल ने किया था, बिल्कुल सही है। दूसरा है विसिया फावा, इस पर अपने पास में किसने वर्क किया था, टेलर और कलिक्स ने किया था, बिल्कुल सही है। इस पर टेलर और कलिक ने वर्क करके और अपने पास में उसको प्रूफ किया था रेडियो एक्टिव थायमिडिन को यूज करके, और मिसेलसन ने सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रूफ किया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इस पर वर्क किसने किया था, ग्रिफिथ ने, बिल्कुल सही बात है। प्लांट पर हर्से और चैज ने बैक्टीरियोफेज को यूज किया था बेटा, तो ये अपने पास में रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है इसी चैप्टर से, और ये क्वेश्चन है मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन जो है वो रेस्पेक्टिवली किसमें प्रेजेंट होते हैं, तो मोस्टली इन यूकैरियोट। ठीक है,
मोनोसिस्ट्रोनिक जीन होती है एक ही सिस्ट्रोन। भाई पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन में क्या होते हैं, बहुत सारे सिस्ट्रोन होते हैं, तो वहाँ पर पॉलीसोम कंडीशन भी बनती है। और बच्चों आप सेल बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ते हो कि एक एमआरएनए पर एक से ज़्यादा राइबोसोम अगर पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस करने लग जाते हैं तो उसे पॉलीसोम कंडीशन बोलते हैं। और वो किस में पाई जाती है, प्रोकैरियोट में। तो मोनोसिस्ट्रोनिक मोस्टली यूकैरियोट और पॉलीसिस्ट्रोनिक किस में होती है, मोस्टली प्रोकैरियोट में। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 175, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड बेस्ट जेनेटिक वेक्टर इन प्लांट। प्लांट में जीन को ट्रांसफर करने के लिए जो जेनेटिक वेक्टर की तरह वर्क करता है वो कौन करता है बेटा, आपको पता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस, अपने पास में एजीआई बैक्टीरिया होता है, और इसी से इसको अपन नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं, और इसी से अपने पास में सारा कार्यक्रम किया गया था ज़्यादातर। सुडोमोनास पुटेटा की बात करें तो सुडोमोनास पुटेटा जो है बेटा ये अपने पास में क्या है, एक आर्टिफिशियल बनाया गया अपने पास में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और इसको आप ऑयल के रूप में, ऑयल को डिस्ट्रॉय करने के रूप में काम में लेते हो। बैसिल फर्स्ट बायो पेटेंट सुडोमोनास पुटेटा का हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस वही बीटी बैक्टीरिया है और ये बहुत जगह आपके क्या होता है, काम आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 176 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ प्रो इंसुलिन इन टू द मैच्योर इंसुलिन, कि आप क्या कर रहे हो, प्रो इंसुलिन को परिपक्व इंसुलिन में चेंज करते वक्त आप क्या करते हैं। ठीक है, प्रो इंसुलिन को किस में चेंज कर रहे हैं, मैच्योर इंसुलिन में। तो बेटा आपको पता है कि प्रो इंसुलिन में ए सी और बी तीन पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अब इसमें से हम किसको रिमूव कर देते हैं, सी को, और अपने पास में बच जाती है ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो आंसर अपने पास में आ जाएगा 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, स्तंभ ए को स्तंभ बी से चुनाव कीजिएगा। आपके पास में पहला ऑप्शन है बेटा बीटी कॉटन, पहला क्या है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन अपने पास में रेजिस्टेंस टू लेप्टोडेप्ट्रॉन के प्रति अपने पास में ये क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है। दूसरा है पेस्ट रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट अपन आरएनएआई इंटरफेरेंस टेक्निक द्वारा निमेटोड रेजिस्टेंस और पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट विकसित करते हैं। तीसरा है जीन थेरेपी, जीन थेरेपी में अपन रिट्रोवायरल वेक्टर यूज करते हैं बेटा, क्योंकि ये अपने पास में एनिमल के अंदर होती है तो रिट्रोवायरल वेक्टर अपने पास में इसमें यूज किया जाता है। और लास्ट है रेडियो एक्टिव डीएनए, ये क्या है, डीएनए के टुकड़े जो रेडियो एक्टिव होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं। तो ए में अपने पास में सेकंड है, बी में फर्स्ट है, तो ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, और सी में अपने पास में थर्ड, और डी में फोर्थ, आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज लाइकली टू बी फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर। आपसे ये पूछा गया है कि डीपेस्ट वाटर होता है इसमें अपने पास में सबसे गहरे पानी में कौन से पाए जाने की संभावना है, डीपेस्ट वाटर। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है, और इकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो रेड एल्गी डीपेस्ट वाटर में पाई जाती है, और रेड एल्गी में अपने पास में पिगमेंट जो होता है वो कौन होता है, फाइकोइरिथ्रिन। तो रेड एल्गी पाई जाती है और वो किसके कारण से पाई जाती है, फाइकोइरिथ्रिन के कारण से। कौन से वाटर के अंदर पाई जाती है, डीपेस्ट वाटर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्फर्मर्स, सनरूपियों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें 99% एनिमल नियरली ऑल प्लांट्स आर कॉन्फर्मर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं है। नेक्स्ट है कैन नॉट मेंटेन ए कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट, ये भी सही बात है, जैसा बाह्य वातावरण का एनवायरमेंट होता है वैसे ही इनका क्या हो जाता है, अंदर का एनवायरमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कैन मेंटेन ए कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट, ऐसा काम रेगुलेटर के द्वारा होता है, इनके द्वारा नहीं होता है। तो थर्ड आंसर इसके अंदर चला जाएगा, ऑल स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लोबल कार्बन फाउंड इन, कार्बन की सर्वाधिक मात्रा अपने पास में उपस्थित होती है, एनसीईआरटी की लाइन है, ओशियन में डिजोल्व फॉर्म में, ठीक है, जो अपने पास में ओशियन होता है उसमें डिजोल्व फॉर्म में किसकी सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है बेटा, जो अपने पास में कार्बन है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब बच्चों अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
181 कॉलम ए को कॉलम बी के साथ में आपको मैच करना है जीएनपी, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टिविटी जो है ये अपने पास में 18 ट्रिलियन डॉलर है। सॉइल फॉर्मेशन में इसमें से खर्च कर दिया जाता है लेस देन 10%। न्यूट्रिशन साइकिल नहीं, सॉइल फॉर्मेशन में खर्च किया जाता है अबाउट 50%। न्यूट्रिशन साइकिल में खर्च किया जाता है लेस देन 30% और हैबिटेट वाइल्ड लाइफ में लगभग अपने पास में 6%। ठीक है बेटा, उधर भी वही है, मैच कर लेंगे तो वही अपने पास में सेकंड आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 182 नंबर कह रहा है करेक्ट मैच करिएगा, सही मिलान है। सही मिलान है मतलब अपने पास में सिलेक्ट करेक्ट मैच, सही मिलान चयन कीजिए। और इसमें अपने पास में क्या है, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर, टोटिपोटेंसी बिल्कुल नहीं है। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर एक्सप्लांट नहीं भी। और पोमेटो जो है ये किससे बनता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। वायरस फ्री प्लांट कैलस कल्चर में बिल्कुल नहीं। अब बच्चों एक बात इसमें देखिएगा, अगर आप मेथड टू प्रोड्यूसिंग 1000 ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर, तो इसको अपन माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं। और जेनेटिकली आइडेंटिटी प्लांट अपने पास में आते हैं उनको अपन सोमोक्लोन बोलते हैं, पोमेटो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और वायरस फ्री प्लांट अपने पास में आपको करना है तो आपको वायरस फ्री प्लांट लेने के लिए आपको मेरिस्टमेटिक पार्ट लेना पड़ेगा। किसका कल्चर कराना पड़ेगा, मेरिस्टमेटिक पार्ट का। तो इसमें आंसर जो है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड बाय द एफर्ट ऑफ, भारत में बायोगैस का उत्पादन तकनीक किसके प्रयास से संभव हो सके। तो बेटा आपको पता है कि खादी विलेज, खादी ग्रामीण इंडस्ट्रियल कमीशन इसने, और अपने पास में IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, दोनों ने भागीदारी निभाई। और भारत के अंदर अपने पास में जो है बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है कि बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ए और सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपने पास में आता है बेटा 184 हमें क्या करा है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सिक्वेंस, अर्धसूत्री विभाजन की निम्न घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर तो अपने पास में इसका मतलब क्रोमोसोम की दोनों आर्म अलग होंगी तब अपने पास में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा। तो ये अपने पास में सबसे लास्ट चला गया ए, ठीक है। दूसरा है क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन में होगा, बी आ गया। क्रॉसिंग ओवर के बाद में समजात गुणसूत्र पृथक्करण एनाफेज में होगा, तो एनाफेज फर्स्ट में, तो सी आ गया। और दो कैरियोकाइनेसिस के बीच में जो अंतराल होगा उसको अपन इंटरकाइनेसिस बोलेंगे, तो वो अपने पास में डी आ गया। तो बी सी डी ए तो अपने पास में आंसर हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिफाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गिवन फिगर, आपको जो दिया गया फिगर है उसके अंदर आपको क्या करना है कि जो अब इंफॉर्मेशन करेक्ट है उसको कलेक्ट करना है। तो ये गिंको बाइलोबा का अपने पास में डायग्राम है, बाइलोबा एक जिम्नोस्पर्म है बेटा। तो सबसे पहली बात टेरिडोफाइट है, बिल्कुल गलत है, होमोस्पोरस नहीं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस प्लांट होते हैं, ऑल जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, ठीक है। फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनकी ओवरी इनक्लोज्ड नहीं होती है, अपने पास में ओवरी नहीं पाई जाती है, ओव्यूल इनक्लोज्ड नहीं होता है, ओवरी से तो रॉन्ग हो गया। जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, बिल्कुल सही बात है, इनके अंदर एम्ब्रियो बनता है बेटा, एम्ब्रियो फाइटा है ये, एम्ब्रियो फाइटा एक ही नहीं है एल्गी, बाकी सब एम्ब्रियो फाइटा है। तो आंसर फोर हो जाएगा। अब बेटा अपने पास में सेशन बी स्टार्ट होता है, सेशन बी के अंदर आपको 15 में से कोई 10 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, इसको अपने पास में मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसको मैच करना ही है अपने को। तो ये क्या कह रहा है, मैच द कॉलम, पहला है फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज को आपको मैच करना है। तो फाइकोमाइसिटीज में डी आ जाएगा, सिनोसाइट अपने पास में क्या है, माइसिलियम है, तो अपने पास में डी इससे मैच हो जाएगा। और कॉमन एग्जाम्पल इसके म्यूकर और राइजोपस है, तो सी और डी अपने पास में क्या हो जाएगा, पहले से मैच हो जाएगा। एस्कोमाइसिटीज कैप्रोफिलस जो डंग पे ग्रो करती है वो इसका मेंबर है, और मोरेल और ट्रेफेल जो एडेबल होती है वो इसके अपने पास में मेंबर होते हैं, ए बी आ जाएगा।
बैसिडियोमाइसिटिस की बात करेंगे बेटा, तो बैसिडियोमाइसिटिस में अपने पास में एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं, तो ये अपने पास में जी आ जाएगा। और ड्यूटेरोमाइसिटिस की बात करेंगे बेटा, तो इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं और मिनरल साइक्लिंग में ये हेल्प करते हैं, तो आंसर विल बी सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 187 आपको क्या कह रहा है बेटा, तो 187 की अपन बात कर लेते हैं। तो 187 में देखिएगा, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द डायग्राम, दिए गए डायग्राम के बारे में गलत कथन को छाटिए। ये आपको पता है बेटा कारा का डायग्राम है, कारा जो है इट्स द कॉमन एग्जांपल ऑफ क्लोरोफाइसी, बिल्कुल सही है। एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, भित्री परत सेलुलोज की और बाह्य परत पेक्टोज की, क्लोरोफाइसी का कैरेक्टर है, कारा में भी पाया जाएगा, सही बात है। नर जननांग नोक्यूल और मादा जननांग ग्लोब्यूल कहलाते हैं, एल्गी से विशेष करेक्टर इसके अंदर पाया जाता है। एल्गी के अंदर नर जननांग एंथ्रीडियम और अपने पास में उगोनियम जो होते हैं मादा जननांग, लेकिन इसके नोक्यूल और क्या कहलाते हैं, ग्लोब्यूल कहलाते हैं। और यह एक लिंगाश्रयी पादप है, डायोसियस नहीं, ये मोनोसियस पादप है, क्योंकि मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर लगते हैं, तो इसको अपन मोनोसियस पादप बोलते हैं, तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बेटा, निम्न उदाहरण को सम्मिलित कीजिए और कितने विषम बीजाणु पादप हैं, हेट्रोस्पोरिक प्लांट्स के बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है। बच्चों अपने पास में फ्यूनेरिया मॉस है, स्पेग्नम अपने पास में मॉस है, सिलेजिनेला है, साल्विनिया है, साइकस है और सिड्रस है, ये तीनों अपने पास में हेट्रोस्पोरस प्लांट है। सिलेजिनेला साल्विनिया टेरिडोफाइट है, साइकस और सिड्रस अपने पास में क्या है, जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म हमारे पास में क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस प्लांट होते हैं, तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 189 ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, दिस स्टेटमेंट गिवन बाय, पादप उद्गों के अध्ययन के बाद यह पाया गया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति से मिलता है जो इसकी विशेषता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया, तो बच्चों ये अपने पास में स्वान द्वारा यह कथन दिया गया, और ये एनसीईआरटी की लाइन है, स्वान ने सबसे पहले यह बताया था, तो इसका मतलब अपने पास में आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल, भाई आपको एग्जांपल को कंसीडर करना है, एल्कलॉइड्स, अब इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपसे पूछा है, द्वितीयक उपापचयक, तो एल्केनॉइड्स है, फ्लेविनॉइड्स है, रबर है, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नहीं है और गम्स हैं, तो इसका मतलब अपने पास में आंसर जो होगा वो हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द टीसीए साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड वॉटर, आइडेंटिफाई ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, तो एसिटाइल ग्रुप और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट लाइन अपने पास में है, तो 191 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। हाँ बेटा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए का सोर्स क्या है, तो बच्चों ये तो सबको पता है कि साइक्लोस्पोरिन ए का सोर्स जो है वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है, पर आपने थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे किया कि इसका आपको ग्रुप भी पता होना चाहिए, और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है ये ड्यूटेरोमाइसिटिस का सदस्य है, तो बेटा आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई मिसमैच, आपको गलत मिलान को छांटना है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, आरआरएनए का निर्माण करता है, 28S, 18S, 5.8S, सही बात है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, एचएनआरएनए एमआरएनए का निर्माण करता है, ये भी सही बात है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, टीआरएनए, 5S आरएनए और एसएनआरएनए का निर्माण करता है, ये भी अपने पास में क्या है, सही बात। अब हमारे पास में कैपिंग जो है ये 7mg कैप होती है मिथाइल गुआनोसिन की, तो आंसर फोर्थ क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है कि इन पीबीआर 322 ए फोरिजन जीन्स इज लाइगेटेड एट पीएसटी फर्स्ट साइट, देन रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड विल बी लॉस्ट टू रेजिस्टेंस टू द, मतलब आपने पीएसटी जीन को अपने पास में जोड़ा है और पीएसटी जीन जो है बेटा ये एम्फीसाइलिन के ऊपर जुड़ती है, एम्फीसिलिन के ऊपर अपने पास में अटैच होती है, तो एम्फीसिलिन की रजिस्टिविटी प्लाज्मिड क्या कर देगा, लॉस कर देगा। अब ये क्वेश्चन ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड विद कॉलम थर्ड, मतलब तीनों कॉलम्स को आपको क्या करना है, मैच करना है। पहला क्वेश्चन है मैचुलिज्म से रिलेटेड, तो ये अपने पास में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन है, तो इसमें फर्स्ट आ गया,
दूसरा ये किसमें देखने को मिलता है, माइक्रोराइजा में, तो फर्स्ट और डी। कमर्शियलिज्म जो है, कमर्शियलिज्म अपने पास में पॉजिटिव और जीरो का रिलेशन है, तो इसमें फोर्थ आ गया। और कमर्शियलिज्म देखने को मिलता है कैटल एग्रेट जो बर्ड्स होते हैं उनके साथ में, तो ये हो गया। प्रीडिएशन जो है बेटा, इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव का रिलेशन है, तो इसमें आ जाएगा थर्ड। और ये किसमें देखने को मिलता है, फाइटोफेगस में अपने पास में जो होते हैं वो प्रीडिएटर होते हैं अपने पास में प्लांट के ऊपर, तो प्लांट को नुकसान उनको फायदा, ये वाला रिलेशन हो जाएगा। और कॉम्पिटिशन लास्ट अपने पास में है, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव का है। और कॉम्पिटिशन विजिटिंग फ्लेमिंगो और अपने पास में वहाँ पर रहने वाली फिश के बीच में होता है। तो बच्चों इसका मैच करते हैं, तो फर्स्ट में अपने पास में ए डी, फोर सी और थर्ड ए और सेकंड बी, तो ये हमारे पास में आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196, आपसे क्या कह रहा है, सेलेक्ट द टाइप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, और ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है बच्चों, ग्रुप का स्थानांतरण कर रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफरेज एंजाइम बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है अपने पास में एनसीईआरटी से, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इलेक्ट्रॉन फ्लो इन ए बी एंड सी। देखो बेटा, ए बी मतलब एलएचसी लाइट जो अपने पास में कॉम्प्लेक्स होता है, इससे इलेक्ट्रॉन ए की तरफ जा रहा है, ये वाला बी है, तो ये क्या हो जाएगा, अपहिल जा रहा है, लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो एनर्जी अपने पास में इससे क्या हो रही है बेटा, लेकर के इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये अपहिल हो गया। ऐसे ही बी में भी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन जाता है, ये भी क्या हो गया बेटा, अपहिल। तो ए बी अपहिल, बी बी अपहिल, सी वाले प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन अपने पास में क्या होता है, डाउनहिल अपने पास में क्या करता है बेटा, मूवमेंट करता है सी वाले प्रोसेस में। तो आंसर ए बी अपहिल है और सी डाउनहिल है, तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 198, आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर, फीचर्स इज आर एक्सक्लूसिव इन एंजियोस्पर्म, निम्न में से कौन से लक्षण केवल एंजियोस्पर्म में होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म में सीड, सीड जिम्नोस्पर्म में भी बनता है, तो ये रॉन्ग हो गया। फीमेल गैमेटोफाइट सब में होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। एंडोस्पर्म है, ये जिम्नोस्पर्म में भी बनता है, बात ये नहीं है कि हैप्लोइड या ट्रिप्लोइड, बनता किस में है, तो ये जिम्नोस्पर्म में भी बनता है, ये भी रॉन्ग हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन एंड प्रेजेंस ऑफ द फ्लावर इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ अपने पास में एंजियोस्पर्म, साथ में प्रेजेंस ऑफ वेसल्स एंड कंपेनियन सेल, ये भी, तो अपने पास में बी डी और एफ, बी डी एफ जो है वो अपने पास में इस ऑप्शन में, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। हाँ, तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में जो है उसको देखते हैं। कह रहा है गिवन बिलो इज द डायग्राम स्केच ऑफ द सर्टेन टाइप ऑफ स्क्रबर, आइडेंटिफाई द एरो लेबल ए बी सी डी एंड सेलेक्ट राइट ऑप्शन। आपसे कहा गया है कि नीचे जो डायग्राम है इसमें ए बी सी डी को आपको पहचानना है। तो बच्चों ए जो है डर्टी एयर है, अशुद्ध हवा है, बी जो है वो पार्टिकुलेटेड मैटर है, और सी जो है वो अपने पास में चूने के फवार है, लाइट वाटर है, और डी जो है वो अपने पास में प्योर एयर है, तो आंसर हमारे पास में हो जाएगा बच्चों थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, इसको देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द लेबल एरियाज एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द गिवन पाई चार्ट, रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। ठीक है, वैश्विक जैव विविधता का ये पाई चार्ट है, और इसमें आपको वाई जेड और एक्स को अपने पास में क्या करना है, पहचानना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्स की, तो एक्स अपने पास में कौन है, एंजियोस्पर्म है। बच्चों दूसरी बात होती है वाई की, वाई हमारे पास में फंगस है, और जेड हमारे पास में क्या है बेटा, मॉस है। तो इस तरह से हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, फोर। तो बच्चों इस तरह से अपने पास में ये माइनर का सॉरी मेजर का अपने पास में सॉल्यूशन था, और इस मेजर के पेपर में अपने पास में जितना भी हमें से कवर हुआ है बिल्कुल बेसिक लेवल पर अपने पास में चीज़ें कवर की गई है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अपने पास में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी बनाए गए, तो कुल मिला करके आप लोगों के अच्छे ही नंबर आएंगे, क्योंकि अपने पास में आपको कोई 45 क्वेश्चन करने हैं तो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस थे, तो इसमें अपने सब बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे। उम्मीद है कि आगे अपने पास में डीसीएम कंटिन्यू देते रहिए बच्चों। मिलते हैं अपने पास में नेक्स्ट मेजर के साथ।